श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय श्री नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और ना उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जो महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है, हे मुनि, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, हे दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और समुद्र के जल में डाल दिया? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसवाया, क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुदवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया गया? हे मुनि, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृतया का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपने सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्माओं को मारने के लिए दैत्य राज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रह्लाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्मा का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिनका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उनको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवदाराधना में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किस प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है? इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।